गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने BJT के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने इसके इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन के बारे में स्टडी की थी कि यदि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो हमेशा क्या होता है कि आपका एक्टिव मोड में कार्य करता है ट्रांजिस्टर, और जब दोनों आपके जो जंक्शन है EB और CB जंक्शन जब रिवर्स बायस की कंडीशन में होते हैं तो कट ऑफ मोड में कार्य करते हैं, और इसके अलावा दोनों यदि फॉरवर्ड बायस में वर्क करते हैं तो हमेशा वो कौन सा होता है, सैचुरेशन मोड होता है। तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो इस क्लास में हम यहाँ पर बायसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके प्रचालन से संबंधित डेरिवेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं PNP की और उसके बाद में देखेंगे NPN की। तो देखिए यहाँ पर ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, PNP, ठीक है, ये इसके तीन टर्मिनल निकाल लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है हम लोगों को कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपने मान लिया इमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका EB जंक्शन था वो हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज। जो EB जंक्शन है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज, और जो CB जंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। तो यहाँ पर जो आपका इमीटर है वो कौन से टाइप का है, P टाइप का है। तो यहाँ पर P को मैं बैटरी के पॉजिटिव से और यहाँ पर N को बैटरी के नेगेटिव से संयोजित कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ की ये जो वोल्टेज है मान लीजिए VEE है, क्योंकि यहाँ पर बेस आपका क्या है, दोनों के मध्य कॉमन है। अब हमेशा जो CB जंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो P भाग है इसे मैं बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित कर देता हूँ, तो ये आपका बैटरी VCC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर धारा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी IE, तो इन दोनों से धारा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी IB और IC, ठीक है। अब यदि हम इसी को किस रूप में बनाना चाहते हैं, सिंबल के रूप में बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि ये आपने क्या ले लिया, ट्रांजिस्टर ले लिया, ये इसके तीनों टर्मिनल थे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे P, N और P, तो मैंने बताया था कि जहां पर एरो का चिन्ह होता है, जहां पर एरो का चिन्ह होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, इमीटर होता है। तो ये आपका क्या है, इमीटर है, और इनके जो मध्य में होगा वो क्या है, हमेशा बेस है, और इसके अलावा जो शेष बच जाता है वो कौन सा है, कलेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि EB जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट के अनुसार यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे हम, तो P को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और N को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। तो यहाँ की वोल्टेज क्या हो गई है, VEE, ठीक है। सेम यहाँ पर अप्लाई करना है हमें क्या, कि जो आपका CB जंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब इसे रिवर्स बायस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से
जोड़ देंगे, तो यहाँ की वोल्टेज क्या आ गई आपकी VCC, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करंट क्या है IE, और यहाँ की करंट क्या है IC, और यहाँ की करंट क्या है IB है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका PNP का बायसिंग है। इसी प्रकार हम किसका देखते हैं NPN का बायसिंग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर NPN का बायसिंग देखेंगे, ठीक है, NPN, ठीक है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या बना लिया NPN ट्रांजिस्टर बना लिया NPN, तो ये आपका क्या हो गया बेस सेंटर में, ठीक है। इसे मैंने क्या मान लिया है इमीटर, तो ये आपका क्या हो चुका है कलेक्टर। तो यहां पर सबसे पहले क्या देखना है हमें ईबी जंक्शन, तो यहां पर ये इमीटर और बेस के मध्य का जो जंक्शन होगा वो कौन सा होगा ईबी जंक्शन होगा, जंक्शन ईबी। और जो कलेक्टर और बेस के मध्य का जंक्शन होगा वो कौन सा होगा सीबी जंक्शन, सीबी जंक्शन। तो अभी मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि यदि आप ट्रांजिस्टर को प्रचालित कराना चाहते हो या ऑपरेट कराना चाहते हो तो हमेशा ईबी जंक्शन अगर बायसित होना चाहिए, यानी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, सीबी जंक्शन क्या होना चाहिए पास बायसित होना चाहिए, भले ही वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, भले ही वो क्या हो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। तो यहां पर मैंने क्या किया इमीटर और बेस के मध्य इसे फॉरवर्ड बायस किया, तो इसे फॉरवर्ड बायस करोगे तो N है, N को किससे जोड़ोगे नेगेटिव से, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां की वोल्टेज VEE, ठीक है, क्योंकि दोनों में बेस क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आउटपुट पार्ट है आपका वो क्या होना चाहिए रिवर्स बायस होना चाहिए, तो नेगेटिव है तो इसे किससे जोड़ोगे पॉजिटिव से जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आपने इसे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है यहाँ की वोल्टेज VCC। तो अब हमेशा NPN में क्या होगा करंट फ्लो विपरीत हो जाएगा IE, यहाँ का क्या होगा IB, और यहाँ का क्या होगा IC होगा, ठीक है। यदि इसी डायग्राम को हम किससे बनाना चाहेंगे सिंबल से बनाना चाहेंगे तो यहां पर क्या करेंगे सिंबल रखेंगे सबसे पहले, तो यहां पर एरो है तो ये क्या है आपका इमीटर है, तो यहां पर ये आपका क्या आ चुका है इमीटर, ये आपका क्या आ चुका है बेस, और ये क्या आ चुका है कलेक्टर, ठीक है। अब कौन से टाइप का है ये एरो का जो चिन्ह है हमेशा क्या है बेस से इमीटर की ओर है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था यदि एरो क्या होता है बेस से इमीटर की ओर होता है तो ये हमेशा कौन सा होगा NPN होगा। और इसके अलावा इसमें मैंने क्या बताया था यदि एरो का चिन्ह क्या होता है इमीटर से बेस की ओर होता है तो कौन सा होता है पीएनपी होता है। तो यहां पर हम बायसिंग कराएंगे तो ईबी जंक्शन क्या होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, तो यहां पर एन को मैं किससे जोड़ूंगा नेगेटिव से, ठीक है, ये जो कनेक्ट कर दिया है यहां की वोल्टेज क्या आ गई वीईई आ चुकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सीबी जंक्शन क्या होना चाहिए रिवर्स बायस होना चाहिए, तो यहाँ पर इस नेगेटिव को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ की वोल्टेज क्या आ चुकी है VCC आ चुकी है, तो यहाँ से करंट आउटगोइंग है IE, और यहाँ दोनों से क्या होगा एंटर करेगा IB और IC। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप क्या करा सकते हो इसे बायसिंग प्रदान करा सकते हो। तो यहां पर नोट पॉइंट फर्स्ट क्या आता है कि ईबी जंक्शन क्या होना चाहिए अगर बायसित
और सी बी जंक्शन क्या होना चाहिए, पश्चिमाशित होना चाहिए। अब इसके अलावा इसमें पोलरिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, तो पोलरिटी भी हमेशा उसी के अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले कॉमन बेस की बात करेंगे पीएनपी में, उसके बाद कॉमन इमिटर की बात करेंगे, उसके बाद कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास क्या आता है कि ट्रांजिस्टर को प्रचालित कराने के लिए ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा सीबी जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में देख लिया है कि किस प्रकार से इसे संयोजित करेंगे। अब हम देखेंगे कि धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है और इसका क्या कारण है, और यहाँ पर नेगेटिव कौन रहेगा और पॉजिटिव कौन रहेगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉमन बेस ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपका इमीटर है और ये आपका कलेक्टर। कौन से टाइप का है ये? पीएनपी। कौन से टाइप का है? पीएनपी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका एरो किधर है? इमीटर से बेस की ओर है, इमीटर से बेस की ओर है। तो इसे मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, कॉमन बेस। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार पी एन पी है, ठीक है, तो इसमें जो पी सेंटर में है वो किसको प्रदर्शित करेगा कि बेस भी नेगेटिव है आपका और कलेक्टर भी नेगेटिव है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये नॉर्मल नेगेटिव रहेगा, तो ये सबसे अधिक रहेगा, बेस से भी अधिक नेगेटिव कौन रहेगा, कलेक्टर रहेगा। इसी प्रकार यदि हम एनपीएन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एनपीएन की, तो एनपीएन में सेंटर में कौन है, पी। पी का मतलब क्या होगा, यहां से पॉजिटिव का होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना पीएनपी, पीएनपी में जो सेंटर में क्या है, पी, वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो बीच में कौन है, बेस नेगेटिव होगा तथा कलेक्टर डबल नेगेटिव होगा, कलेक्टर क्या होगा, उससे भी अधिक नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार पीएनपी, पीएनपी में सॉरी एनपीएन, एनपीएन में मध्य में कौन है, पी, तो जो बेस होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो आपका कलेक्टर होगा वो उससे भी अधिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो जैसे यहां पर मैंने क्या लिया है, कौन सा है, पी एन पी लिया है, तो यहां पर पॉजिटिव कौन होगा आपका, इमिटर,
इमिटर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, इसके अनुसार। और बेस क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। और जो कलेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, डबल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज अधिक किसकी होगी, इसकी इमिटर की, तो यहां की वोल्टेज क्या होगी, वी ई बी, वी ई बी, क्यों कि वी ई बी बराबर क्या होगा, वी ई माइनस वी बी, ठीक है ना। कभी कभार ये डाउट रहता है हमें कि यहां पर जो बेस होगा कॉमन है, तो यहां पर वी बी ई होगा या वी ई बी होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि वी ई बी इक्वल नहीं है किसके, वी बी ई के। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर इमिटर पॉजिटिव है, बेस क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर बेस पॉजिटिव होगा, इमिटर क्या होगा, नेगेटिव, ये इसका मतलब नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को कि पीएनपी में जो बेस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तथा जो कलेक्टर होगा उससे भी अधिक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर हमेशा क्या लिखेंगे हम, वी ई बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी ई बी। अब इसी प्रकार यदि यहां की बात करें तो क्या होगा, यहां पर होगा वी बी सी, क्या होगा, वी बी सी, क्यों कि बेस है इसकी तुलना में तो पॉजिटिव है ना, कलेक्टर की तुलना में तो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पोलरिटी हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार मैं किसकी लेता हूं, एनपीएन की लेता हूं, ठीक है। बेस इमिटर कलेक्टर, ठीक है, कौन से टाइप का है, एन पी एन, ठीक है। तो यहां पर पोलरिटी क्या होगी कि जो सेंटर में है वो क्या है, पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या है, डबल पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां का जो विभव होगा वो क्या होगा, अब ये मत देखना कि यहां पर वी ई बी है तो यहां का भी क्या होगा, वी ई बी, ऐसा मत लिखना, वी ई बी, इसका मतलब क्या होगा, ई यहां पर पॉजिटिव है, बी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इसकी तुलना में पॉजिटिव तो कौन है, बेस है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, वी बी ई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वी ई बी। और यहां पर कलेक्टर है वो बेस की तुलना में और अधिक पॉजिटिव है, तो यहां का जो विभव होगा वो क्या होगा, वी सी बी होगा। तो इस प्रकार से हमेशा क्या होता है, इनकी पोलरिटी यानी ध्रुवता निर्धारित की जाती है। तो ये कॉमन पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, किसके बेस पे देखना है, हमेशा पीएनपी और एनपीएन के बेस पे। यहां पर हमने कॉमन बेस लिया है, इसी प्रकार कॉमन इमिटर हो सकता है, इसी प्रकार क्या हो सकता है, कॉमन कलेक्टर हो सकता है, लेकिन उनमें सिर्फ केवल ध्यान में रखना है कि पीएनपी क्या है, एनपीएन कौन सा है। तो यदि पीएनपी होगा तो सेंटर में क्या बता रहा है, एन, एन कौन है, नेगेटिव है, ये एन क्या है, बेस है, बेस नॉर्मली नेगेटिव है, तो कलेक्टर उससे भी अधिक नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो एनपीएन है आपका, कौन सा है, एनपीएन है, तो एनपीएन में सेंटर में कौन है, पी है, पी का मतलब पॉजिटिव, तो बेस क्या होगा, पॉजिटिव, तो आपका जो कलेक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा डबल पॉजिटिव होगा। इसके आधार पे, इन टर्मिनल के विभव के आधार पर ही हम यहां पर क्या लिखेंगे,
विभवांतर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा कि आपका PE क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और बेस क्या है नेगेटिव, तो इसका विभव अधिक होगा, तो यहां पर VEB लिखेंगे हम, ठीक है। और इसी प्रकार ये डबल नेगेटिव है, ये नॉर्मली नेगेटिव है, तो यहां पर आपका क्या रहेगा, VBC रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये हमेशा निर्धारित करना है। तो यहां पर जो करंट का प्रवाह है वो कौन सी दिशा में है, यहां से IE में है, क्योंकि विभवांतर इमिटर का अधिक है बेस से, तो किधर फ्लो होगा, इधर ही फ्लो होगा, तो यहां पर करंट क्या हो गया, IE हो चुका है। तो ये IE करंट मान लीजिए 100% है, इतना है 100% है, तो हमेशा 2% करंट ही क्या होगा आपका, IB होगा, और जो शेष बचेगा IC वो कितना होगा, 98% होगा, इतना होगा 98%। तो हमेशा विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो यहां पर इस नोड के नियम से क्या आ चुका है आपके पास, तीसरा पॉइंट यहां से ये आ चुका है कि IE बराबर क्या होता है, IB प्लस में IC। तो तीसरी कंडीशन ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए कि सबसे अधिक विभव किसका है, इमिटर का, उसके बाद बेस का, उसके बाद किसका, कलेक्टर का। तो यहां पर इमिटर के विभवांतर के कारण ही इधर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो यदि इमिटर की धारा क्या है, 100% है, तो 2% किधर प्रवाहित होगी, बेस की तरफ, जबकि 98% जो धारा होगी आपकी वो किधर प्रवाहित होगी, कलेक्टर की तरफ। इसी प्रकार यदि यहां की बात करें हम, तो यहां पर देखिए सबसे अधिक विभवांतर किसका है, कलेक्टर का है, तो धारा किधर प्रवाहित होगी, आए ई, उसके बाद विभवांतर किसका है, बेस का, तो बेस के कारण आई बी, और सबसे कम किसका है, आए ई का, ई का विभवांतर कम है। तो यहां पर दोनों धाराएं क्या हो रही है, इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो यहां से भी आपका क्या आ जाता है, इक्वेशन आई ई बराबर क्या होगा, आई बी प्लस में आई सी, यही आएगा, ठीक है। तो हमेशा धारा का प्रवाह है उच्च विभव से किधर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। तो यहां पर ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहां पर ये जो करंट है IC आपका, यदि 98% है और ये कितना है, 2% है, तो ये कितना होगा, 100% होगा, कितना होगा, 100% होगा। तो ये बात हमेशा क्या है, ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर की बायसिंग प्रदान कराते हैं। अब हम देखेंगे कि धारा इसमें किस कारण से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहां पर हम नोट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक ट्रांजिस्टर लिया था, ठीक है, पी एन पी, ठीक है। यहां पर देखिए, इसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, ये आपका बेस, इमिटर, और ये आपका क्या था, कलेक्टर। तो ये पॉजिटिव से, नेगेटिव से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, इसमें क्या है, बेस को मैंने क्या किया है, कॉमन किया है, और यहां पे इमिटर पी टाइप का है, तो ईबी जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो ईबी जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड
y से कर दिया है, तो यहाँ की वोल्टेज क्या हो चुकी है YEE, और CB जंक्शन क्या होना चाहिए रिवर्स वाइज, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया यहाँ की वोल्टेज VCC कर दिया। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कौन सा होगा IE होगा, यहाँ का करंट कौन सा है IB, और यहाँ का करंट कौन सा होगा IC। अब देखिए हमेशा क्या होता है कि हमने देखा था कि P प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें अधिक संख्या में कौन होते हैं होल्स होते हैं, और N में कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन, और P में होल्स। तो ये तीनों क्या है आपके अधिक संख्यक या अधिक आवेश वाहक, अधिक संख्यक आवेश वाहक, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे कौन होगा अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन, यहां पे होल, यहां पे इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों क्या है आपके अल्प संख्यक आवेश वाहक। अब देखिए सपोज कीजिए इसको छोड़ दीजिए, ये यहां पर क्या है एक पीएन डायोड है, ये क्या है पीएन डायोड है, तो पीएन डायोड का पी भाग है वो बैटरी के किससे जुड़ा है धन सिरे से, और एन भाग है वो किससे जुड़ा है बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो हमेशा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में क्या होता है पीएन डायोड में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है अधिक संख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होता है। तो यहां पर जो इमिटर में जो धारा प्रवाहित होगी IE वो हमेशा क्या होगी IE H प्लस IEE, यानी इमिटर में जो धारा प्रवाहित होगी होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगी, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इसको छोड़ दीजिए एक बार, समझ लीजिए कि ये पीएन डायोड है, तो इस पीएन डायोड को आपने क्या किया अग्रवायसित किया, तो यहां पर इमिटर की जो धारा होगी वो किसके कारण होगी इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होगी। उसी प्रकार यहां पर ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये क्या है रिवर्स बायस है, तो इसमें क्या प्रवाहित होगा लीकेज करंट भी प्रवाहित होगा। तो जो इमिटर का करंट होगा वो टोटल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहां से जो बेस में भी करंट प्रवाहित होगा, किसमें करंट है बेस में करंट प्रवाहित होगा वो भी होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी कलेक्टर की बात करते हैं, तो जो IC होगा वो किसके कारण होगा IC अधिक आवेश वाहक प्लस IC अल्प आवेश वाहक। अब देखिए अधिक आवेश वाहक था वो तो किसके कारण प्रवाहित हो रहा था इमिटर के कारण प्रवाहित हो रहा। अब यदि मैं इसको ओपन कर देता हूं यहां से तो केवल ये क्या बचता है पस बायसिड डायोड बचता है, तो इस पस बायसिड डायोड में हमेशा क्या प्रवाहित होगी धारा लीकेज धारा प्रवाहित होगी आई सी बी ओ, क्या प्रवाहित होगी आई सी बी ओ होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां से जो लीकेज करंट प्रवाहित होगा क्योंकि ये जो पीएन डायोड है पस बायसित है, तो ये लीकेज करंट यानी क्षरण धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है अल्प आवेश वाहक के कारण होती है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है आई सी अल्प आवेश वाहक, ठीक है। तो ये टोटल हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया था उसमें बेस को हमने क्या किया था ग्राउंड किया था, तो सबसे पहले ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया उसके बाद सीबी जंक्शन को रिवर्स बायस किया। तो ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के कारण अधिक आवेश वाहक होल तथा इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है,
एमिटर में भी और बेस में भी। लेकिन जो आपका कलेक्टर है उसमें अधिक संख्यक आवेशवाहक और अल्प संख्यक आवेशवाहक दोनों के कारण धारा प्रवाहित होगी। एक तो जो इमिटर की से जो धारा आ रही है वो किसके कारण है, अधिक आवेशवाहक के कारण। अब मैंने यहाँ से इसे ओपन किया था तो केवल ये ही डायोड बचा था, तो इस डायोड को हम यदि इसकी पोलरिटी और इसके कनेक्शन देखते हैं तो ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस के केस में हमेशा धारा का प्रवाह है अल्प संख्यक आवेश वाहक के कारण होता है, जिसे हम क्षरण धारा कहते हैं। तो क्षरण धारा यहाँ पे क्या हो गई आपकी, ICBO हो चुकी है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से किसी भी ट्रांजिस्टर का प्रचालन कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमिटर के कनेक्शन देखते हैं। थैंक यू।